हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। मेले, त्यौहार, देवी देवता यहाँ की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसी तरह सोलन में हर साल शूलिनी माता का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सोलन शहर की नगर देवी और कुल देवी माँ शूलिनी है। भगवती शूलिनी की आराध्या भूमि के कारण ही सोलन शब्द की उत्पत्ति हुई और शहर का नाम सोलन पड़ा। शूलिनी देवी को दुर्गा माँ का अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बघाट नरेश 12वीं शताब्दी में माता को आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगते हुए धार नगरी गांव से लेकर आए थे। सोलन के लोगों को माता पर अटूट विश्वास और श्रद्धा है। माता के दर्शन के लिए मंदिर में लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। इस शूलिनी माँ के का मेला हर वर्ष आषाढ़ मास के दूसरे रविवार को मनाया जा रहा है, जो इस वर्ष भी 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जा रहा है। अब तक लोगों की फसल पककर तैयार हो जाती है और यह मेला उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मेले की शुरुआत होती है माता की भव्य शोभा यात्रा से, जो कि शूलिनी मंदिर से शुरू होती है और पूरे शहर में यह यात्रा चलती है। माँ की मूर्तियों को पालकी में बिठाकर पूरे सोलन शहर में घुमाया जाता है। लाखों लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। प्रशासन ने भी इस यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया हुआ होता है। इस मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं हाथों से बनाई हुई चीजों की प्रदर्शनियाँ। लोग तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन चीजों की प्रदर्शनियाँ लगाकर इन्हें बेचते हैं। इस मेले में पहाड़ी नृत्य, पहाड़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पहाड़ी फल एवं सब्जियों की भी प्रदर्शनियाँ लगती है। साथ में इंडोर और आउटडोर गेम्स की प्रतियोगिताएं भी होती है। भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। पूरे 3 दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है और लोग माता का प्रसाद समझकर भंडारे का खाना खाते हैं। शूलिनी देवी का मेला हिमाचल में एकता और संस्कृति का प्रतीक है। इस तरह के मेले और त्यौहार आपसी प्रेम, भाईचारे और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इन तरह के त्योहारों से लोगों की भावनाएं, श्रद्धा और प्यार जुड़ा रहता है। इंडिया अनहर्ड के लिए प्रतिभा रोल्टा, सोलन, हिमाचल प्रदेश से।